इंडिया में एजुकेशन सिस्टम काफी पुराना है और अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसको काफी कुछ नया किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा इतिहास पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे इंडिया में कितनी पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात करें हायर एजुकेशन की, जहां पर इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे इंडिया में कितनी पॉलिसी है, कब और कहां आई है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहली पॉलिसी के बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं। पहली पॉलिसी हमारी आती है इंडिया के अंदर 1968 के अंदर, जो लाती है कोठारी कमीशन। अब यह जो कोठारी कमीशन था, इसने काफी प्लानिंग करी और प्लानिंग करने के बाद यह हमें बताता है कि ऐसी कुछ पॉलिसी बना सकते हैं, इसको 2 साल लगे बनाने में, और ये बताता है कि एक ऐसी पॉलिसी लाते हैं जो पूरा रूल चेंज होते हैं। यहां पर एक रूल भी बनाया गया 10-2+3। दोस्तों इसमें ये था कि आपको सीनियर सेकेंडरी तो करनी है, साथ में आपको कॉलेज भी करना पड़ेगा, और ये पॉलिसी आती है भैया 1968 के अंदर। दोस्तों इस पॉलिसी के बाद हमारे इंडिया थोड़ा और डेवलप करता है, उसके बाद एक और पॉलिसी आ जाती है और वो आती है हमारी 1986 के अंदर। सब सही चलता है भैया, इंडिया में सब कुछ सही चल जाता है, 15-20 साल ही पॉलिसी सेम चलती है, बच्चे कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज करके आ जाते हैं। फिर भैया थोड़ा दिमाग घूमता है और हमारी सरकार लेके आती है नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर। दोस्तों पार्लियामेंट के अंदर इसको अप्रूवल दिया जाता है और इसमें एक चीज बताई जाती है कि 2030 के अंदर जितने भी इंडिया के कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कोचिंग में ये अप्लाई कर दी जाए, और काफी कुछ सही चल रहा है। दोस्तों यहां पर कुछ रूल मैं आपको बताना चाहूंगा इस पॉलिसी के बारे में। यहां पर सबसे पहले बात की गई कि हमारा जो एमफिल है वो रद्द कर दिया जाएगा। रद्द का मतलब है कि अब एमफिल बंद हो जाएगा। यहां पर एक और पॉलिसी आती है कि अब बच्चे इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, बच्चों को कमाना पड़ेगा। तो ये काफी कुछ इसके अंदर चीजें नई 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 आती है। अभी आप लोग को मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि ये पॉलिसी आपकी काम की है, क्या आपका इससे फायदा होगा, कमेंट बॉक्स में बताओ और देखते क्या होता है।